बेलगाम जिले के हुक्केरी तालुका में आज AIMIM द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM के जिला अध्यक्ष आलम संदी इन्होंने बात करते हुए हुक्केरी तालुका कमेटी के गठन की जानकारी दी। इन्होंने AIMIM पार्टी के मकसद को सभी के सामने रखते हुए कहा कि आने वाले दिनों में हुक्केरी तालुका में AIMIM मजलूमों की एक मजबूत आवाज बनकर उभरेगी। हुक्केरी तालुका पदाधिकारियों के नामों का ऐलान भी किया। हुक्केरी तालुका अध्यक्ष के तौर मोहसिन मोहम्मद शफी मुल्ला, रमजान अब्बास मुजावर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बाबाजान मलिकजान मकानदार और ट्रेजरर के तौर पर इमरान अब्दुल मजीद बेपारी, इनके नामों का ऐलान किया गया। आज का ये प्रेस मीट करने का मकसद ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हुक्केरी तालुका की कमेटी फॉर्म की गई है और हुक्केरी तालुका के कमेटी में प्रेसिडेंट के तौर पर मोहसिन मुल्ला इन्हें चुना गया है, रमजान मुजावर इन्हें सेक्रेटरी करके चुना गया है, बाबाजान मकानदार इन्हें जॉइंट सेक्रेटरी करके, इमरान बेपारी ट्रेजरर रहेंगे और इसी तरह इस कमेटी में सद्दाम हुसैन मुल्ला, मोहम्मद तहसीन ततागर, इरफान मनियार, जबीउल्ला मोमिन, सोहेल जमादार, इरफान मुजावर, जमीर अहमद मुल्ला, ये लोग कमेटी के मेंबर के तौर पे काम करेंगे। और हुक्केरी जो शहर है, हुक्केरी शहर की कमेटी के लिए सरफराज खानजादे इन्हें कन्वेनर अपॉइंट किया गया है और AIMIM लेडीज़ विंग के लिए हुक्केरी शहर के लिए खातून बी पठान इन्हें कन्वेनर अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पे जो टीम काम कर रही थी, ये बहुत दिनों से काम कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है और यहाँ पे लोगों के जो भी इश्यूज है उनसे बातचीत करके तहसीलदार तक हो या DC तक हो, इन लोगों ने मेमोरेंडम वगैरह दे करके बहुत सारे इश्यूज पे काम किया हुआ है और फॉलोअप भी कर रहे हैं और आगे आने वाले दौर में पार्टी को और भी मजबूत करने के लिए ये कमिटीज़ बनाई गई हैं और इन्हें जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और इंशाल्लाह हम लोग और भी यहाँ पे लोगों के बीच में जाएंगे और पार्टी को और भी मजबूत करने का काम करेंगे। और जैसे ही पार्टी जिस तरीके से मजबूती पाती जाएगी, उस तरीके से ग्राम पंचायत से लेकर के आने वाले दिनों में हम लोग पार्लियामेंट तक के सारी जगह पे इलेक्शन लड़ने की तैयारियां करेंगे और जिस हिसाब से ये हुकूमतें काम कर रही हैं और संविधान को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, तो AIMIM की तरफ से ये कोशिश है कि जितने भी दबे कुचले तबकात हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, दलित्स हैं, इन सब को लेकर के ये संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने की कोशिश AIMIM करती आ रही है सारे मुल्क भर में और इंशाल्लाह हुक्केरी तालुका में भी हम लोग एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बदलाव लाएंगे। और AIMIM की तरफ से तमाम हुक्केरी के जितनी भी आवाम है उन्हें मैं ईद मिलाद की मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से। कैंडिडेट्स तो आते रहते हैं, बहुत लोग अप्रोच भी करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्शन अनाउंस हुआ है और लोग अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इलेक्शन में कैंडिडेट उतारेंगे, ये नहीं है। कैंडिडेट तब उतारा जाता है जब हमारे पास पार्टी का एक स्ट्रक्चर और वॉलंटियर्स कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं और हर पार्टी का एक कैलकुलेशन, एक स्ट्रेटजी होती है। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर कोई इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक का हर इलेक्शन लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया एक राइट भी है हमारे लिए पार्टी का, जैसे हर पार्टी लड़ती है वैसे हमारा भी राइट है। लेकिन हम लोग अपनी पार्टी को मजबूती पहले देंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का काम करेंगे और जिस तरीके से पार्टी जहां जहां जिस तरीके से मजबूत है उस हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे कि कहां पे ग्राम पंचायत लड़ सकते हैं हम लोग, कहां पे पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं, कहां पे असेंबली इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो देखते हुए हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी के तहत काम करेंगे और वहां जहां जिस तरीके की स्ट्रेटजी बनी है उस हिसाब से हम लोग कैंडिडेट्स उतारने का डिसीजन लेंगे। अब आपके सवाल होंगे और धारदार, आपके मुद्दे चढ़ेंगे नए परवान, न नकली सास को सामान, न झूठ की दुकान, खबरों में सच दिखाना ही है हमारी पहचान। हम हैं बेलगाम एक्सप्रेस, कलम हमारी, आवाज आपकी।